नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम तमाम बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का आपको विज़िट करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या सहूलियात हैं, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनको पता चल सके, और ख़ास कर जो है वो यहाँ आस पास के जितने के पी के साथ साथ स्वाबी और दीगर कामरा और दीगर जो जगहों पर रहने वाले लोग हैं उनको पता चले कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है। अगर हम फौरी तौर पर जाना चाहें तो हम यहाँ पे जाएं, ना कि पेशावर जाएं या इस्लामाबाद जाएं या दीगर किसी जगह पे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर आलमगीर हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम दिल के वार्ड में, कार्डिक वार्ड में मौजूद हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सेंसिटिव वार्ड है ये, यहाँ पे डॉक्टर आलमगीर से बात करते हैं कितने बेड मौजूद हैं यहाँ पर और क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और इलाज के हवाले से हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। वालेकुम सलाम बेटा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पे कितने बेड मौजूद हैं? वी आर हैविंग 8 बेड सीसीयू। हमारे पास सीसीयू के 8 बेड्स हैं, डायग्नोस्टिक की पूरी फैसिलिटी है। हमारे पास इको है, एटीटी है, होल्टर, एबीपीएम, फुल फ्लिज हम डायग्नोस्टिक का फर्ज कर रहे हैं। और हम फुल फ्लिज जो कार्डिक इमरजेंसीज है वो फुल फ्लिज हम एमआई फेलियर सब कुछ हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पे कोई हार्ट का पेशेंट आ जाता है जिसको फौरी तौर पे जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है और उस हवाले से फौरी इकदाम के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे जो है वो मौजूद है? नहीं, हार्ट का जब प्रॉब्लम होता है वी आर हैविंग टू, इसमें टू प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है। आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, आपके पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वी आर हैविंग फुली इक्विप्ड सीसीयू और हमारी मैन पावर है। हमारे पास 3 कंसल्टेंट हैं, हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं सारे क्वालिफाइड हैं, सारों ने एमसीपीएस की हुई है, जो हु आर वर्किंग विद अस एज मेडिकल ऑफिसर। अच्छा डॉक्टर साहब, नाज़रीन आपको देख रहे हैं और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि नाज़रीन को जो है वो आपसे कोई इस्तफादा हासिल हो जाए। जो दिल के मरीज़ हैं उनको कोई एहतियाती तदाबीर बताइएगा और उसके साथ साथ इस मर्ज से बचने के हवाले से जो लोग दिल के मरीज़ नहीं हैं और कुछ ऐसी खुराक खा लेते हैं जिसकी वजह से वो दिल के मर्ज़ का जो है वो बाहिस बन सकते हैं, उन लोगों को जो है वो कोई मशवरा दीजिएगा। सिंपल सी बात है, गो टू बेड अर्ली एंड राइज अर्ली। उन्होंने कम मीठा चखनाई, नमक कम, तो 3 किलोमीटर पैदल चलें, ज़्यादा जंक फूड्स ना खाएं, उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर किसी को कोई फौरी तौर पे हार्ट की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल से आने से पहले कोई फौरी एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या करें? एक गोली डिस्प्रिन ले लें। ठीक है, एक गोली डिस्प्रिन पानी से ले, नहीं चबाए, जिस तरह बच्चे पेंटा नहीं चबाते, इट्स पुअर मेन स्ट्रिप्ट है जिसका उनको बहुत बड़ा फायदा। ये डिस्प्रिन जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है? नहीं नहीं, इनकी ब्लड सप्लाई को करती है, इनकी इट्स इनकी प्लेटलेट इन ब्लड सप्लाई में जो स्टेगनेंसी होती है उसको बेहतर करती है। नाज़रीन, बहुत अहम मसला दिल का, छोटा सा मामला होता है दिल का तो बंदा जो है वो फौरी तौर पर मौत के मुँह में चला जाता है। हमने कोशिश की कि जो डॉक्टर हैं वो आपको मशवरा दे सके कि किस तरह फौरी एहतियाती तदाबीर हर गांव में मौजूद होती है। ये जो उन्होंने बताई है डिस्प्रिन की एक गोली चबाएं, हर इलाके में मौजूद होती है, कोई इतनी भी बड़ी मुश्किल दवाई नहीं है और सिर्फ ये कोई 1-2 रुपए के में जो है वो मिल जाती है। तो आप ये ज़रूर आजमाएँ और इससे इस्तेफादा हासिल करें। और भी वार्ड में जाते हैं और भी सहूलियात यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे इस वक्त जो जहाँ से ऑक्सीजन जाती है पूरे हॉस्पिटल को जो है सेंट्रलाइज यहाँ पे ऑक्सीजन जाती है, सिलेंडर लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़ा टैंक भी हमने आपको दिखाया वो भी लगा हुआ है। तो ये यहाँ से जाती है, मेरे पास इस वक्त जो बायो गैस के जो टेक्नीशियन है फैसल महबूब, नाम बताया फैसल महबूब, ये बताएँगे हमें कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन जा रही है अगर खुदा ना खासा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरह हैंडल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके पास कितना स्टॉक मौजूद होता है? ये 2660 क्यूबिक मीटर गैस होती है हमारे पास, उसमें से फिर जो यूज़ हो जाती है तो फिर मतलब हम कंपनी को बुलाते हैं। अच्छा, वो फिल ये जो आपके पास मौजूद होती है ये कितने दिन की है? ये तकरीबन आजकल कंजम्पशन ज़्यादा है तो तकरीबन मैक्सिमम मतलब 3-4 दिन
कि जब ये ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होने पे आती है, तो उससे पहले जो है वो फौरी तौर पे आप जो है वो बता देते हैं? जी जी। अच्छा, कितनी देर तक यहाँ पे आने से पहले पहले मतलब हम उनको बता देते हैं, जब 50% हो जाता है तो हम उनको बता देते हैं, वो तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही वो फिर पहुँचा देते हैं। अच्छा, खुदा ना खासा यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं ना जैसा कि खैबर टीचिंग में हुआ था? नहीं, इंशाल्लाह वहाँ पे तो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि क्या हुआ था, लेकिन अभी तक हमारे पास बिल्कुल सारा कुछ सही नॉर्मल फिट जा रहा है। ठीक है नाजिन, ये देखा कि हमने आपको ये सेंट्रलाइज जो है वो ऑक्सीजन वो दिखाई है इस हॉस्पिटल का, ये बड़ा ये अच्छा एकदम है। ये बैकअप पड़ा हुआ है, एक साथ हमने पहले आपको टैंकर दिखाया और ये बैकअप लगा हुआ है। खुदा ना खासा ऐसा कोई मसला यहाँ पर मौजूद नहीं है जिस तरह के खैबर टीचिंग में हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होगी तो 7 बंदों की जो है वो वहाँ पे डेथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद यहाँ पे देखा है, ये आपको भी दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए इस बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो है वो ऐसा कोई भी सिलसिला मौजूद नहीं है। सब एहतियाती तदाबीर यहाँ पे जो है वो बर वक्त मौजूद है। 3 दिन का यहाँ पर जो है वो स्टॉक मौजूद होता है और उससे पहले जो है वो कंपनी को बता दिया जाता है कि वो गैस को रीफिलिंग कर दें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और भी आपको हम जो है वो दीगर इस अस्पताल के जो है वो हिस्से भी दिखाएंगे। चलें जी, नाज़रीन ये इस वक्त हम मौजूद हैं इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त स्टाफ नर्स हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिबिजार। अच्छा बिबिजार, ये बताइएगा कि ये क्या सेंट्रलाइज्ड हो रहा है? ये थोड़ा सा ये सेंट्रल मॉनिटरिंग लगा हुआ है जिसमें पेशेंट की सिचुएशन, उसकी हार्ट रेट, उसकी बीपी और उसकी जो रिस्पिरेशन रेट है वो सारा मॉनिटर होता है। और बाकी जो पेशेंट हैं वो सारे दो ज़्यादातर पेशेंट कोविड के पेशेंट हैं जिसमें जो है ना वो सर सिचुएशन मेनली होता है, वो सबको पेशेंट को प्रॉप सारा कुछ लगा हुआ होता है तो हमें यहाँ से मॉनिटरिंग होती है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता किसी की ऑक्सीजन कम होती है, किसी की हार्ट बीट की प्रॉब्लम होती है तो आपको यहाँ से पता चलता है? जी, ये सेंटर मॉनिटर इसलिए लगाए हुए हैं ताकि यहाँ से आपको, क्योंकि वो साइड रूम पेशेंट होते हैं तो उस वहाँ जाके आप नहीं देख सकते तो यहीं से आपको मॉनिटर नज़र आता है, यहीं से आप पेशेंट का देखते हो फिर आप रूम में जाके चेक करते हो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या नाम है? सैयद नूर हुसैन नाम है, यहाँ पे मैं जाना डॉक्टर हूँ। ये हमारे पास जो है ना अभी 16 बेड ICU हैं और ये हमारे पास सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में है। अगर किसी पेशेंट के सिचुएशन वगैरह या इसी तरह कोई ड्रॉप हो जाती है तो वो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट शो होते हैं। तो अभी हमारे पास जो है ना कम से कम ये 10 तक हमारे पास सस्पेक्टेड जो है ना कोविड है और उसमें जो है ना 8 तक हमारे पास जो है ना वो कंफर्म पॉजिटिव केस है। तो अगर आप उसको दिखाना चाहें तो आपको मेरे नहीं देख और ठीक है। जी जी, तो ये हमारे पास ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए है, A to Z केयर यहाँ पे पेशेंट को मिल रही है और बेहतरीन सिस्टम यहाँ पे सवाबी के लोगों के लिए मुहैया की हुई है। स्पीकर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर्स हैं जितने भी यहाँ पे, वो डॉक्टर से भी हमने बात की, आपकी करवाई और बहुत सारे आपको मशवरे भी मशवरा जात दिए डॉक्टर साहबान ने फौरी तिबी अमदाद के लिए और अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ इस वक्त जो है बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और फॉरेंसिक मेडिसिन के जो हैं ये चेयरमैन हैं डॉक्टर फसीहो जमान साहब, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कि आपकी टीम ने यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा विज़िट करवाया और हमने लोगों से बात भी की। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है सारा, हॉस्पिटल में बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। बहुत शुक्रिया विज़िट करवाने का। और मज़ीद आप जो इस हवाले से यहाँ पे आपके तमाम तरह इंतज़ाम आते हैं उस हवाले से आप ख़ुद भी ज़रा बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग रॉयल मीडिया वाले यहाँ पर आए कवरेज के लिए। हमारे दरवाज़े खोले हैं सब मीडिया के लिए, पब्लिक के लिए, पेशेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए। हर वक्त हम 24 आवर्स आप लोगों को यहाँ पर मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको। आप लोगों ने फैसिलिटीज़ देखी
आप लोगों ने जो है हॉस्पिटल देखा बादशाह खान मेडिकल कम्प्लेक्स टीचिंग हॉस्पिटल, इसका सिर्फ मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल था जिसकी रोज़ाना ओपीडी 30-35 होती थी। फिर 2 बजे के बाद यहाँ पर एक ऊका आलम था, एक इस तरह था कि एक वीरान जगह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये टीचिंग हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ है और जो खान मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, आप लोगों ने खुद विज़िट किया, आप लोग खुद इसके गवाह हैं कि इस कोरोना वबा में बाकी हॉस्पिटल में सर्विसेज उन्होंने सस्पेंड किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपने अराउंड द क्लाक जो है ओपीडीज चलती हैं और ऑपरेशन थिएटर मौजूद होता है। साथ साथ कोरोना पेशेंट हमारे 16 वेंटिलेटर वेल इक्विप्ड आईसीयू पर अभी भी पेशेंट मौजूद हैं। 20 बेड्स हमने आई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पर बनाया हुआ है। तो पब्लिक के लिए मेरी बार बार आप लोगों के चैनल के तवसत से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने डायग्नोस्टिक साइड भी देख लिया, हमारे सीटी स्कैन यहाँ पर मौजूद है, हमारे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मौजूद है, डिजिटल एक्सरे मौजूद है। तो ये सारे लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ और बल्कि आपको लोगों को, चूंकि आप लोग कोविड की वबा में इस ख़तरनाक लेयर में आए हैं, आप लोगों को मैं यही बता दूं कि यहाँ पर कोविड लेबॉरेटरी हमने जो एस्टेब्लिश की है यहाँ पर, उसकी इनागोरेशन हमारे ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असम्बली मोहतरम जनाब असद खैरसा साहब ने की थी। तो कल जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद है, तो उन्होंने पूरे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में जो हमारे 100% ऑथेंटिक रिजल्ट है, असेसमेंट उन्होंने किए, तो इनको सर्टिफिकेट मिला है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो 100% एक्यूरेट हैं। ये तो बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जो सर्विसेज हैं 24 आवर यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी इश्यूज होते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ डिस्कशन भी बता दिया कि जो भी इशूज़ हों पेशेंट को, अटेंडेंट को, पब्लिक को, मैं राउंड द क्लाक सुबह 9 बजे से लेकर 8-9 बजे तक इसी वहाँ पर बैठा होता हूँ, इसी ऑफिस में। उसके बाद फिर मेरी एक टीम है, उसमें डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, DMS, MS, हमारे नंबर ऑन होते हैं। जो भी उनको कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे दरवाजे हम हर वक्त पर्सनली हाजिर हैं। हमारे ये नहीं, वो प्रोटोकॉल नहीं कि चिट दे दो, मिलना मुश्किल है हमारे, क्योंकि हम यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें हमारे शोल्डर पर ये रिस्पांसिबिलिटी दी है और डाली है। तो हम 24 आवर हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो 100% परफेक्ट है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये पसमानदा इलाका है, इन पर हमारे बहुत जो स्टेक होल्डर हैं उनका भी बहुत फोकस है, तो हम 24 आवर इनकी सर्विस के लिए मौजूद हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि इधर उधर बातों पर ना जाएँ कि यहाँ से लाहौर रेफ़र हुआ या इस्लामाबाद रेफ़र हुआ या पेशावर रेफर हुआ, ये टाउट सिस्टम ये हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत आसान किया है कि आप लोग हमें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल वो हम क्लियर कट आप लोगों को विद एविडेंस देंगे कि ये फैसिलिटीज़ नहीं है, आप लोगों को हम रेफ़र कर लेंगे। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हो, लेडी रीडिंग हो, या आयताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स हो, या इस्लामाबाद हो, या हमारे कोलीग्स होते हैं, या हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, या हमारे नर्सिंग जो बेटियाँ होती हैं या बेटे होते हैं, तो पेशेंट के लिए हमने को हर्डल नहीं बनाना और ये उनको आसानी पैदा करनी। बाकी मेरे अपने मेडिकल स्टाफ के लिए बार बार रिक्वेस्ट, पेरिडिकल ट्रेनिंग मैंने इनको करवाए हैं कि ये मेडिकल एथिक्स और मेडिकल एटिकेट्स ये अगर हम कर लें, क्योंकि अगर अपने आप को बंदा कंसिडर करे कि ये मेरी माँ भी हो सकती है, ये मेरी बेटी भी हो सकती है, ये मैं खुद भी हो सकता हूँ, तो हमारे जो ये क्रीम ऑफ द नेशन, इसलिए ये मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स या नर्सेज या पैरामेडिक्स या जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, क्रीम ऑफ द नेशन इसलिए हैं कि अल्लाह पाक को लोग भी दुआएँ देते हैं, अल्लाह पाक भी जो होते हैं वो भी इनसे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि यहाँ पर हम आप लोगों को, आप लोगों के लिए बैठे हैं। मैंने अपने आप बात की आप लोगों को कि मेडिकल के हवाले से, कि उनको मैं कहूँ कि हमारी दो बातें, क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये एडवाइस है, मैं आप लोगों को विद एविडेंस देता हूँ कि विद एविडेंस विद आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ कि अब उसके यहाँ मेरे फुटेज भी मौजूद हैं, वीडियोज़ भी मौजूद हैं, कि नर्सिंग को, क्लास 4 को, डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को हमने पीरियडिकल ट्रेनिंग यहाँ पर करवाएं, एटिकेट्स के अगर हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो, अगर पेशेंट बहुत भी कंफर्टेबल आ जाए तो वो यहाँ से डिस्करेज जाएगा, लेकिन अगर बहुत भी क्रिटिकल कंडीशन में आए और हमारी दो बातें उनको उस तरह उनकी काउंसलिंग हो जाए, तो अल्लाह पाक मेरी ये कमिटमेंट है कि वो उनकी दुआएं भी हमें लगेंगी और यहाँ से वो परफेक्ट हेल्दी जाएगा।
बजाय इसके कि वो डिस्करेज होके जाए। बाकी कोरोना के हवाले से आपको मैं देखता हूँ हमारी आप लोगों को मैं एक तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों की ये लोगों के आपके इनके चैनल की वसादत से कि सोशल डिस्टेंसिंग बार बार मीडिया पर आते हैं, ये एक लाइट ना लें, ये वायरस जो है ये वबाए पूरी दुनिया पर आई हुई है, लेकिन अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, घरों में रिस्ट्रिक्ट कर सकें बग़ैर ज़रूरत के, ये मास्क 10-15 रुपए इसका इस्तेमाल करें, हाथ सफाई वैसे भी मुस्लिम के लिए ज़रूरी है, तो हम बहुत से ज़्यादा कम्प्लिकेशन से वेंटिलेटर से ICU से HDU से बच सकते हैं। तो मेरे पब्लिक को भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अवेयरनेस है नहीं और ये हम लाइट लेते हैं कि ये वबा नहीं है, ये वैसे ही आम जुकाम और खांसी है या थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन ये सही बिल्कुल आप लोग, मैं बीइंग अ डॉक्टर बीइंग आप लोगों का भाई एज ए फादर एज ए ब्रदर आप लोगों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ख़तरनाक वबा है और इसका वही यही इलाज है कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बिला वजह ना जाएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को आपके ये चैनल की वसादत से। बाकी हम यहाँ पर ट्रीट करते हैं कोरोना वायरस की जो पेशेंट आते हैं उनको भी ट्रीट करते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर होती है, रूटीन की इन्वेस्टिगेशन भी होती है। बाकी आप लोगों ने विज़िट किया होगा, कंसल्टेंट जो हमारे हैं उन्होंने भी आप लोगों को बताया होगा कि जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो बचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स है, लेकिन चूँकि यहाँ पर गजू खान मेडिकल कॉलेज है, गजू खान मेडिकल कॉलेज पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, ये जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उस वक्त पाकिस्तान और अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है इससे जो है ये रजिस्टर्ड है, हमने 50 स्टूडेंट्स लिए हैं मेरिट पर, जो KPK में मेरिट पर आते हैं वो हमारी जो पायनियर बैच है वो अभी 4th ईयर तक पहुंची हुई है। तो गजू खान मेडिकल कॉलेज में हमारी ये मेकशिफ्ट बिल्डिंग में पर्पस बिल्ड बिल्डिंग के लिए हमने एक 134 कनाल ज़मीन हायर हुई है, अवार्ड हुई है, कंसल्टेंट उसके लिए हायर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग भी बन जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अभी फाइनल 4th ईयर का एग्ज़ाम दे के फाइनल ईयर में जाएंगे ये पक्का, और हमारे जो रिज़ल्ट है थोड़ी वक्त में, चूँकि ये डिवेलपमेंटल स्टेज में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कंडक्टिंग बॉडी एग्जामिनेशन वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जो हमारे 4 बैचेस हैं 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर उनका ज़रा रिज़ल्ट मैं आपको बता दूँ कि ऑल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे गजू खान मेडिकल कॉलेज के पायनियर बैच जो है वो 98% उन्होंने रिज़ल्ट उनके रिज़ल्ट हैं, फोर्थ जो दूसरा बैच है उनके 97 है, और इस दफा जब हमारे 1st ईयर 1st प्रोफेशनल जो हैं वो पूरे KPK के जो पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनका रिज़ल्ट है, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर जो है वो उसकी पोजीशन 1st थी, हमारे गजू खान मेडिकल कॉलेज की जो है वो 2nd पोजीशन है। अभी रिसेंटली हमने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन कराची को इंस्पेक्टर को भी इनवाइट किया था, तो हमारे जो ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो फेलोशिप के लिए ट्रेनिंग, तो हमने 4 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स मेडिसन एंड सर्जरी उनकी विजिट करवाई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अप्रूवल भी हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पर TMO जो होते हैं ट्रेनिंग के उनकी प्रॉपर यहाँ पर ट्रेनिंग होगी और वो यहाँ से FCPS कर लेंगे इंशाल्लाह। बाकी हमारे ये वायदेदारा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब तक उनके अपने स्टूडेंट फारिग ना हो हाउस ऑफिसर्स नहीं होते, लेकिन हम गवर्नमेंट KPK हम हेल्थ मिनिस्टर हमारे जो इस कंस्टिट्यूंसी के ऑनरेबल स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उनकी एफर्ट की वजह से उनकी कावशों की वजह से हमें 30 सीट जो हैं वो हाउस ऑफिसर 1st बैच जो अभी 6 मंथ हैं वो हमने और मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट लिए हुए हैं, कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, कि उनकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो और वो पब्लिक के लिए भी फैसिलिटीज हो, क्योंकि हाउस जॉब जो है ये मेन बेसिक चीज़ है मेडिकल प्रोफेशन में। तो अभी 2nd हाउस जॉब हमारी 19 को उनकी इंटरव्यू है, 2nd इंडक्ट करेंगे, लेकिन चूँकि हमारा बैच 1 साल बाद फारिग होगा तो फिर उसके लिए हम 50 या अबव स्टूडेंट सीट्स हैं वो क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो है ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कल्चर एक्टिविटीज़ में उनकी भी डिबेटिंग क्लब उनकी अपनी ये उसकी पोजीशन आती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने साथ साथ फैसिलिटीज़ के हमने डिसिप्लिन पर भी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट मुख्तलिफ
مختلف چیزوں، کیونکہ میڈیکل پروفیشن ان چیزوں کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ لوگ ایکسٹرا آرڈینری کو کریکولر ایکٹیویٹیز کریں یا پالیٹکس میں انوال ہو یا اور چیزوں میں انوال ہو، تو ہماری ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے، تو ہم ڈسپلن پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے، اٹینڈنس پر کمپرومائز نہیں کرتے، ہماری یہاں پر پراپر یونیفارم ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ یونیفارمٹی ہو، باقی پرومسز میں تو کیوں، چونکہ میں بھی پڑھائے میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، وہاں پر پراپر یونیفارم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے کے پی کے میں اس میڈیکل کالج کے لیے پراپر یونیفارم ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ ہمارے جو اچیومنٹس ہیں ہاسپٹل کے اور میڈیکل کالج کے، ان کے بارے میں میں نے بریفنگ دے دی آپ لوگوں کو، باقی یہ جو ہاسپٹل کالج ہے یہ فی الحال میک شیپ بلڈنگ ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ تو میں آپ کو لوگوں کو ابھی وزٹ کروا لوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آنریبل اسپیکر صاحب کی خواہش تھی کہ یہاں پر جو نرسنگ ٹریننگ ہوتی ہے یا جو لیبارٹری ٹیکنیشینز ہوتے ہیں یا جو انستھیزیا ٹیکنیشین ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس تو ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں کوئی اس طرح کی وہ سیٹ اپ نہیں تھی، تو ہم انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں یا ود ان 10 ڈیز میں آنریبل اسپیکر کے ڈائریکٹرز پر ایک ایم او یو خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور کے ساتھ سائن کریں گے، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارے ویژن سینسز، انستھیزیا اور لیبارٹری ٹیکنیشینس، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سرجیکل ٹیکنیشین، تو ان کی ایم او یو ہم سائن کر رہے ہیں نیکسٹ ویک میں، تو یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز خیبر میڈیکل یونیورسٹی سوابی کیمپس کا پراپر انوگوریشن ہوگی، یہی ہماری اچیومنٹ ہے۔ باقی آپ کو میں بتا دوں، آپ لوگوں کی اس چینل کے وساطت سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ لوگ آئے ہیں دور سے، یہاں پر کلچر اس طرح ہے کہ جو ہماری لیڈیز ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ ہاسپٹل کو ان کو اپروچ بہت مشکل ہوتی تھی، اکثر لوگوں کی ڈیتھ جو ہوتی تھی معمولی بیماریوں سے، کیونکہ وہ کلچر اس طرح ہے کہ یہاں پر لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے لیڈی ڈاکٹر ٹیکنیشین نہیں ہے، نہ نرس نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی اس چینل کی وساطت سے میں پبلک کو، جتنے بھی ہمارے کیچمنٹ ایریا ہے سوابی کے عوام، کہ یہاں پر ہمارے 24 آور گائنی کی پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈبلیو ایم اوز، الٹرا ساؤنڈ کے لیے فیمل ٹیکنیشین، ای سی جی کے لیے فیمل ٹیکنیشین، ڈائگناسٹک فیمل اسٹاف موجود ہے، کوئی بھی ایشوز ہو میں ڈائریکٹ بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی بھی ہیڈ آف انسٹیٹیوشن یا کوئی ڈاکٹر اپنا نمبر وائرل نہیں کرتا، لیکن میں نے مختلف چینل سے اپنے اور اپنے ٹیم کا جو ہے وہ لوگوں کو اپنے نمبر دیے ہیں کہ کسی وقت بھی اب میں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی تو انہوں نے یہاں پہ بتایا کہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں میڈیکل کمپلیکس میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے گجو خان میڈیکل کالج کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تمام جو فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہیں، جو ٹریننگ یہاں پہ کی جا رہی ہیں وہ تمام انہوں نے بتایا۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس کا مکمل طور پر وزٹ کروایا، یہاں پہ جتنے ڈاکٹرز تھے ان سے بھی آپ کو ملوایا، یہاں پہ مریضوں کے جو لواحقین تھے ان سے بھی ہم نے آپ کو ملوایا، یہاں پہ جتنے بھی وارڈز تھے، دیگر چیزیں تھیں، وہ تمام ہم نے آپ کو اپنے چینل کے توسط سے، اپنے اس پروگرام کے توسط سے وہ دکھانے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طارق محمود کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔